ए छोटे, इधर आ। ए छोटे, वो बलराज सिन्हा मुझे कहाँ मिलेगा बता? पहले तो तुम इज्जत से बात करो। ए, उस कमीने को मैं इज्जत दूंगा हा? अबे मैं उसकी नहीं अपनी बात कर रहा हूँ। अपना साइज देखा तूने और मुझसे इज्जत की बात करता है? भाग। मेरे साथ चलो, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ए, किधर है? आएगा आएगा, रुको। ए, 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 छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अरे क्यों मार रहे हो? ए, छोड़ छोड़, अरे मर गया मैं। अरे अरे छोड़, अरे छोड़ दो छोड़ दो, अरे जाने दो जाने दो मुझे, जाने दो जाने दो, अरे मर गया, अरे मर गया। अरे क्यों मार रहे हो मुझको तुम लोग? इज्जत देने की बात की तो मारता है मुझे। अरे भाई गलती हो गई, हॉस्पिटल की तरह बता दे, मुझे तेरा भला होगा। अभी आई ना आकर ठिकाने पर। अरे ये तुम लोग घर तक आने लगे, ऐसा मत करो, ये अच्छी बात नहीं है, मेरी बात सुनो। बैठ जाना। क्यों रे, अगर तूने आवाज की ना वो तुझे भी चींटी की तरह मसल देंगे। जब अपना खाना का क्यों इनके बीच में पड़ रहा है? बात समझाई तो समझ में नहीं आती है क्या? तुझे बहुत टॉप पे जाना है, हाथ लगाना ये अच्छा नहीं होगा। क्या कर लेगा बे, तुझे पहली और आखिरी बार समझा रहा हूँ, हमारे धंधे के बीच में आया ना तो काट के फेंक दूंगा। चल रे। गिर गई, चलो चलो बचाओ उसे, बचाओ। अरे चलो, हाँ हाँ उठाता हूँ ना। साइकिल उठा, साइकिल उठा। तुम्हें लग गई क्या? हाँ। तुम ठीक तो? अरे कुछ नहीं हुआ, रो मत। अरे अरे रो मत, कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा तो लगा है, ठीक हो जाएगी। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाना, मैं हूँ ना। अबे इनकी तो, कल जो 50 रुपए देने बाकी थे ना दे देना। कल 25 रुपए दिए थे ना, 25 देना बाकी है। अरे सुन, यही वो आदमी है ना जिसने उस दिन हमारे घर में आकर गुरु को मारा था? चल इसे सबक सिखाते हैं, आ जा। अरे अरे क्या करो, अरे नहीं, अरे हड्डी टूट जाएगी, अरे पसली भी टूट जाएगी, अरे छोड़ दो, अरे क्या करो, मुझे देखने दो। कौन था? अरे कृपाकर जी, जैसे ही तुम्हारी जमीन का भाव बढ़ने लगा तुमने मेरा फोन उठाना ही बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं, आप हर बार बिकी हुई जमीन को खरीदने की बात करते हैं तो आपका फोन कैसे उठाऊं मैं? देखो ये बिजनेस है, जहां थोड़े अच्छे पैसे मिले वहीं बेचना चाहिए। आपने एडवांस लिया था चांदी के भाव में और हम आपको दे रहे हैं सोने के भाव में, जरा सोच कर देखो। चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन आप उसे ज्यादा दोगे इसकी क्या गारंटी है? बिजनेस में हमारे बॉस का अपना एक अलग रूल है, अभी बात कराता हूँ तुम्हारी। हेलो बॉस, एक मिनट, कृपाकर जी बात करेंगे। हाँ ये लो। क्या कृपाकर जी, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम फाइन थैंक यू। क्या कृपाकर जी, जिस जमीन की कीमत 6 करोड़ है उसको 4 करोड़ में बेचकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो? दरअसल बात यह है कि जल्दबाजी में वो सौदा हो गया। ठीक है कोई बात नहीं, उसे कैंसिल कर दो। अभी मेरे लड़के से एडवांस लेकर एग्रीमेंट बना दो, नेक्स्ट वीक आकर रजिस्ट्रेशन करवा लूंगा। सर वो पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बलराज सिन्हा नाम है उसका। बलराज सिन्हा? हाँ सर। वो कौन है और उसका रेंज क्या है मुझे अच्छी तरह पता है, और ऐसे छोटे लोगों की तारीफ आप मेरे सामने कर रहे हो। प्रभाकर इसमें इन्वॉल्व है, जाकर उसको बोल देना, बिना कुछ बोले वो अपना एडवांस लेकर चला जाएगा। ठीक है सर। हाँ बॉस, ठीक है बॉस, ओके बॉस। आप उसके बारे में चिंता मत करो, बस हमारे टच में रहो, बाकी सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। लीजिए, अभी के लिए इतना रख लीजिए, बाकी मैं आपको फोन करके बता दूंगा, अभी चलता हूँ। देखिए आपने जो मुझे 20 लाख रुपए दिए हैं, इसके बदले मैं आपको 40 लाख रुपए देता हूँ। मजे करना और इस जमीन को भूल जाना, और दोबारा यहाँ पर आना भी मत। मजे करने के लिए हम इस फील्ड में नहीं आए हैं, सौदा नाटक किया ना तो। मेरे साथ प्रभाकर भाई हैं, तुम और ये तुम्हारे आदमी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पता है मुझे पहले ही लगा था कि इसी तरह का कोई मैटर है।
अर्जुन, बातों से समझने वाला लड़का नहीं है ये, इससे बात करना वेस्ट है। मरने के बाद लोगों की इच्छा होती है कि उनको उनकी जमीन में दफनाया जाए, लेकिन मुझे लगता है तूने अपनी ही जमीन पर अपनी जान देने का सोचा है, तो ये तेरा नसीब है। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। ओके सर, ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। मिस्टर भास्कर, बोलिए। इन सब कामों के लिए थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, ये सब तो आपको पता ही होगा ना। उन सब बातों के लिए आप परेशान मत होइए, ये लीजिए। ए आशुतोष, उस इंस्पेक्टर के बहुत भाव बढ़ गए हैं भाई। कोई मामूली नहीं है ये अर्जुन, मेरे बारे में अभी तक उसको ठीक से पता नहीं है। अगर एक बार उसको उठाकर ले आया ना, तो वो मरते दम तक नहीं भूलेगा कि मैं कौन हूँ। वो इंस्पेक्टर पूरे एरिया में रेड डालने की बात कर रहा है भाई। अगर वो जीना चाहता है तो कल 3 बजे तक वो मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। नमस्ते साहब। तू है क्या? देखने में तो तू बिल्कुल भोला भाला लगता है। एरिया में तूने बहुत नाम कमाया है। बलराज सिन्हा के साथ बिजनेस करके शांति से रहने के बजाय लैंड के धंधे में हाथ डाल के लेवल पे पहुंच गया है तू। तूने अब तक जितने भी हाफ मर्डर किए हैं, कब कहां कैसे उनको उड़ाया है और कितने में डील किया है, तू कहां रहता है, क्यों रहता है, क्या करता है, सारे डिटेल्स मुझे अच्छी तरह पता है। कृपा कर का मर्डर तूने ही किया है ना? मेरे एरिया में तूने अपनी लिमिट तोड़ने की हिम्मत किया? ए, इसको उठाकर अंदर डाल दो, एरोप्लेन में चढ़ा दूंगा इसको। एरोप्लेन में चढ़ने से पहले आपको मुझसे पर्सनली बात करनी चाहिए थी। बात क्या है वो बता। साहब, लेकिन इन लोगों के सामने। कोई बात नहीं बेटा, सब अपने लोग हैं। मेरी पावर क्या है उसका इन लोगों को पता चलना चाहिए। चल अब बता। आपकी बीवी पद्मावती, जो पद्मनाभन में 3rd क्लास के 2nd नंबर के बंगलों में रहती है, उसकी कीमत 93 लाख रुपया है। और उनको तो ये भी नहीं पता है कि आपने जो दूसरी शादी की है आरटी नगर में, और दूसरी पत्नी को जो घर खरीद कर दिया है, उसकी कीमत सिर्फ 90 लाख रुपया है। रम्या, और उससे जो बेटी पैदा हुई है, उसके नाम पर आपने एक अपार्टमेंट बनाई है रमैया सदानंद, उसकी कीमत तो सिर्फ और सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया है, और वो भी जयनगर में। ये बहुत ही कम है, ऐसा नहीं लग रहा सर आपको? बैंगलोर में जो सेलर है जयराज और जो बायर था रॉबिन शेट्टी, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। रॉबिन शेट्टी को जो आपने एनकाउंटर के नाम पर मारा है, उसके एवज में आपको एक छोटा सा बख्शीश मिला है, वो है 100x100 का रूम, वो भी रोड के किनारे। फिलहाल आपने जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो है मैसूर के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, सुमा मंगल में सुपारी की खेती, मंडिया में 3 राइस मिल, और आप अपने छोटे भाई के नाम पर हुगली में जो लिकर का धंधा चला रहे हो। भूतपूर्व MLA के मर्डर को छुपाने के लिए आपको 28 लाख रुपया मिला है, वो भी हार्ड कैश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। घर के बाहर जो आप शौक पालते हो, उन शौक के लिए आप कार रखते हो, और कल ही आपने मार्केट में जाने के लिए एक नई मास्क इनोवा कार खरीदी है सिर्फ 11 लाख में, लेकिन ये बात आपके लिए मायने नहीं रखती है। आपने इतनी सारी जो प्रॉपर्टी बनाई है उसकी कीमत क्या है आपको पता है? सिर्फ 16 करोड़ रुपए। वैसे ये बहुत कम है ना? उन सब की फोटो निकालते निकालते कैमरे की रील खत्म हो गई, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई साहब। अरे बाप रे। अरे साहब, आप खड़की हो गए, बैठ जाइए ना प्लीज। नहीं सर, अच्छा नहीं लगता, आप बैठ जाइए, मैं बता रहा हूँ, आप बैठ जाइए। अरे हम तो छोटे लोग खड़े रहेंगे, इसलिए कहता हूँ कि पाप और पुण्य के हिसाब में पाप करने में आप सबसे ऊपर हैं। सोच कर बताना, क्योंकि अगर कानून के सामने मैंने अपना मुंह खोल दिया तो पता है ना। अरे आप खड़े क्यों हो गए साहब? सुनो भाई, आप पहले बैठ जाओ। ए आशुतोष सर, भाई के लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। ओके सर।
अरे भाई, मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और आपने मेरा पूरा डिटेल्स कलेक्ट कर लिया है, ये सब कैसे किया है भाई? अरे हमें आप जैसे लोगों के बारे में पता नहीं होगा, गलती करने पर आप किसी पर एरोप्लेन चढ़ा दोगे या हेलीकॉप्टर चढ़ा दोगे, आपका कोई भरोसा नहीं है, लेकिन इस युगा को कोई टच भी नहीं कर सकता, संभल के। ये मर्द है ये मर्द है चांपा से जिंदगी बहुत ही छोटी है, शान से जी लेने का। पाप पुण्य अच्छाई बुराई इन सब के बारे में नहीं सोचने का। पाप पुण्य अच्छाई बुराई इन सब के बारे में नहीं सोचने का। क्यों भाई, तेरी कसरत हो गई क्या? अबे तू भी भागता ना तो तेरा पेट कम हो जाता। तुझे क्या पता पेट बढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है। तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे खा के बहुत मेहनत कर रहा है। अरे मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, तू भी खाया कर मेरे दोस्त। अबे मेरा छोड़, तू तैयार हो जा। अरे पागल हो गया क्या? और मेरा सोना आ गया, आजा। हमसे दुश्मनी करके तू इस एरिया में जी सकता है क्या? तेरा छोटा चेला था ना, उसका तो हाफ मर्डर हो गया और फुल मर्डर के लिए तू यहाँ फंस गया। अबे मैं फंसा हूँ या तू फंसा है ये थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा खजूर। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। ए, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, मारो। Oh!
ए मारो उसे। टू बोला था ना? क्यों बे, कौन फट्टू दिख रहा है अभी तुझे? दोबारा कभी गलती से मेरे सामने आया ना तो तेरा फुल मर्डर कर दूंगा, समझा? इतने सी बात के लिए इतना बड़ा मैटर कर दिया, पहले बताता तो मैं खुद आ जाता ना। हजूर कहीं का तुझे अपना मैनेजर बोलते हुए शर्म आ रही है मुझे। एक सड़क छाप गुंडे से मार खा के आ गया, शर्म नहीं आ रही तुझे? दरअसल भाई आप मुझे कुछ नहीं सुनना है। उसको मैंने कभी नहीं देखा क्या? फुटपाथ पर पला बड़ा हुआ वो भिखारी प्रभाकर के साम्राज्य से टकराने की हिम्मत कर रहा है, क्या मतलब है इसका? तुम लोगों पर भरोसा करके कोई फायदा नहीं है। उस कमीने को अब मैं खुद सबक सिखाऊंगा। अच्छा लग रहा हूँ। ए बेबी हाँ? क्या कर रहे हो तुम? जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ। ला क्यों रहे हो? आ रहा हूँ ना। अरे लेकर आना। हाफ लक है।
हाँ, ये हाफ लक क्या होता है बे? अरे वही जो नया काम शुरू करते वक्त बोलते हैं ना। उसे हाफ लक नहीं, बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, समझा? जो भी हो अब जाओ। सुन छोटे, तूने पहले ही टोक दिया है, अगर मेरा काम नहीं हुआ ना तो मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। कुछ नहीं होगा, जा भाई। थैंक यू सो मच, बाय। हाँ बाय। सारा प्लान उल्टा हो गया। उस छोटे को तो मैं, उसने जब सुबह हाफ लग बोला तभी मुझे डाउट हो गया था, और ऊपर से सर पे ये कौवा घूम रहा है, इन सब के वजह से मेरा प्लान फेल हुआ। मैं दोबारा प्लान बना के आऊंगा, आज मेरा बैड टाइम था। जयपाली के काटाराम के घर को अगर अपने कब्जे में कर लिया तो 1150 घर हमारे हो जाएंगे भाई। अच्छा बता, वहाँ केबल कौन दे रहा है? वो छोटू है ना, बलराज सिन्हा का चेला। कितने लोगों को उसने अपनी तरफ खींच लिया है? 130 घरों में उसने कनेक्शन दिया है भाई, उसमें से 60 घर अपने लड़कों के हैं, राहुल, रोहित और गणेश, इनके घरों में कनेक्शन हमने दिया है। अगर आप कहोगे तो वहाँ के सारे घरों में कनेक्शन हम दे देंगे भाई। अरे ये सब मेरे मुँह पे बोलना जरूरी है क्या? जाओ घुस दे कराओ। ठीक है भाई। नीचे आया क्या? देख तो। अरे राइट साइड का केबल थोड़ा और नीचे लेना। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई ये तो केबल कनेक्शन वाले लग रहे हैं। अरे सिग्नल मिला क्या? देख तो, आया क्या? हाँ हाँ आ गया। अबे ओए नीचे आ, नीचे आ जल्दी। अबे क्या कर रहा था तू वहाँ पे? कनेक्शन कर रहा था भाई। किस चीज का कनेक्शन बे? यहाँ के सारे घरों में मेरा कनेक्शन है, तुझे पता नहीं है क्या? तू जानते हुए भी मेरे एरिया में आया? मार क्यों रहे भाई, हम सिर्फ काम करने वाले हैं। हमारे मालिक जहाँ बोलते हैं हम वहाँ कनेक्शन देते हैं, चाहे तो आप मालिक से पूछ लो। कहाँ मिलेगा वो? अपने घर पे। सुन, सीट के नीचे तार है क्या? हाँ है ना भाई। हाँ तू जब इतने दिन नहीं आया तभी मैं समझ गया था तू किसी को पटाकर चला गया है। रुक, मैं बाद में फोन करता हूँ। ले ये ले, मेरे एरिया में मेरे कनेक्शन को काट के अपने कनेक्शन दे रहा है तू, इसको देख रहा है ना? ए छोटे, ये सारे खेल मैं जवानी में ही खेल कर छोड़ चुका हूँ, और तू जो ये लेकर आया है इसमें जंग लग चुका है। ओ, अभी तेरा सेल डाउन हो गया है। अर्जुन को तूने पागल समझा है क्या बे? तेरे सामने तेरी टक्कर का कोई भी नहीं, इसलिए तू कुछ भी करेगा क्या बे? अब क्या हुआ, तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? ले काटना, कोई मासूम अगर रोड पे मिल जाए तो तुम लोग उसे काट देते हो ना? कभी मर्द से मुकाबला कर, फिर तुझे मर्दानगी समझ आएगी। ठीक है चल यार, मेरे लड़कों से गलती हो गई होगी, मैं उनको बुलाकर समझा दूंगा। ठीक है अब तू जा। अबे हाथ हटा, तूने खुद लड़कों को भेजा और बोल रहा है कि लड़कों से गलती हो गई। अगर तूने दोबारा ऐसी कोई गलती की ना तो इसी जंग लगे हथियार से तेरी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। ठीक है चल यार, अभी कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। नेक्स्ट टाइम कॉम्प्रोमाइज करने का भी टाइम नहीं दूंगा। अगर दोबारा मेरे एरिया में एंटर किया ना तो इस केबल से, इस फैन पे तू यहां लटकता नजर आएगा। देखता हूं मुझे कौन रोकेगा। क्या रे अर्जुन, नाश्ता नहीं किया क्या तूने? अरे ये सब क्या है, प्रॉब्लम क्या है तुम लोगों की? लेटेस्ट न्यूज क्या है, कुछ पता भी है तुम लोगों को? अरे ये श्रीधर फिर से फील्ड में उतर गया है, पूरे बैंगलोर में चर्चा उसकी। खुशी मनाओ ना गुरु, फूल पे मंडराकर जो भौरा पूरे स्वर्ग का भ्रमण करता है ना, उसी तरह तू भी फेमस हो रहा है। क्या बकवास कर रहा है तू? जिस हाथ से खाना खा रहा है उस हाथ में हथियार मैंने पकड़वाया था तुझे, और तू मुझसे मजाक कर रहा है? ऐसा क्या, किसी मिनिस्टर का हाथ पैर जोड़कर टिकट लेने की बात की थी ना? ले 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 ले, हम कोई भी तेरा सपोर्ट नहीं करने वाले, इलेक्शन में तू कैसे जीतेगा हम भी देखते हैं। क्या कर रहे हो तुम लोग ये सब, कौन सा तरीका ये? तुम लोग पूरी तरह से बिगड़ चुके हो, तुम्हें सिखाना मेरे बस की बात तो नहीं रही। खैर वो सब छोड़ो, इस बार पलना का इंचार्ज तुम लोगों को मुझे ही बनाना है। धूम मचा देंगे हम लोग, और इस साल लोगों की नजरें सिर्फ हम पर ही होंगी, देखना। पहले के जो लोग थे ना उन लोगों के आजकल नखरे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। चाहे कुछ भी हो जाए हमारा नाम गंदा नहीं होना चाहिए।
तुम इन सब बातों का टेंशन मत लो गुरु, यहाँ पर सिर्फ हमारा हुक्म चलता है, तो हमारे खिलाफ कौन जाएगा? हम ऐसा होने ही नहीं देंगे। क्या बोलता है अर्जुन? अबे काई को टेंशन ले रहा है, यहाँ सब कुछ चलाने का जिम्मेदारी हम लोग का है, तू छोड़ दे। तूने इतना बोल दिया, मेरे लिए बस काफी है, शांति मिल गई मुझे। क्या हुआ? क्या हुआ? पहले तुम नीचे उतरो। क्यों? कैसी कस्टमर मिल गई है? यही एड्रेस है क्या? किसे पता है तेरा एड्रेस? तेरा एड्रेस ढूंढ ढूंढ कर मेरे ऑटो का पूरा गैस खाली हो गया है। अपने पैसे और अपना एड्रेस अपने पास रख और ये अपना सामान उतार। तुम ऐसे कहीं भी उतार दोगे तो मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? ये तेरी समस्या है, अभी चल जाए यहाँ से। खटारा गाड़ी, पूरे कपड़े पहन के निकला कर। ब्यूटी ब्यूटी दिखती है, ब्यूटी ब्यूटी कुड़ी है रे, खाली खाली सड़क है रे, यारो लगती हीरोइन जैसी, अल्लाह ऐसी ब्यूटी न देखी है कभी। देखो रे बार बार देखो, पागल कर देती है सब ये दिल को, ढूंढ लो चाहे कहीं ढूंढो, ना मिलेगी कहीं ब्यूटी है किसी को। ब्यूटी ब्यूटी दिखती है, ब्यूटी ब्यूटी थोड़ी है रे, खाली खाली सड़क है रे, यारों लगती हीरोइन जैसी, अल्लाह ऐसी ब्यूटी न देखी है कभी। देखो रे बार बार देखो, पागल कर देती है सबके दिल को, ढूंढ लो चाहे कहीं ढूंढो, ना मिलेगी कहीं ढूंढी है किसी को। अरे सुन बे, शाम को 7 बजे करेक्ट टाइम पे पहुंच जाना। अरे मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं आ सकता। ए, तू दादा दादी कहानी मुझे मत सुना,
अगर हमारे गैंग में से एक भी आदमी कम हो गया तो वो लोग समझेंगे कि हमारे पास दम नहीं है। पिछली बार मेले में उन कमीनों ने हमारी पालकी को उठा लिया था, इस बार कोई नहीं बचेगा। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, इस बार हमें हमारी पालकी चाहिए, चाहे खून क्यों न बहाना पड़े। कितना टाइम हो गया, बस भी नहीं आ रही। अगर वो दिख जाता तो कम से कम उससे लिफ्ट तो ले लेती। अरे हाय सर, सर 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 बहुत बहुत शुक्रिया सर, बस थोड़ा आगे तक ड्रॉप कर दो, ऑफिस के लिए लेट हो गया हूँ। मेरा दिमाग मत चाट, मेरी गाड़ी ऑलरेडी एंगेज्ड है, मुझे उसे ड्रॉप करना है। पहले तो मैं बैठा हूँ ना, बस आने में अभी थोड़ी देर है, थोड़ा सा दूर तो जाना है सर, प्लीज ड्रॉप कर दीजिए ना सर, प्लीज। मैं तेरे लिए गाड़ी लेकर नहीं आया हूँ, मैं तुझे ड्रॉप नहीं कर सकता, उधर चल 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 चल। अरे मैंने बोला ना उतर जा, उतर जा नहीं तो बहुत मारूंगा, उतर ना। मैं लेट हो चुका हूँ, बाय। बाप रे, इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। ए सुबह सुबह तूने दिमाग का दही कर दिया। रहने दीजिए ना सर, ये सब होता रहता है। क्या, चलिए उधर नीचे। अब तो वो लड़की भी चली गई सर। अभी बताता हूँ तुझे, आज मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा। सर गाड़ी तो आप बहुत अच्छी चला रहे हैं, लेकिन इतना स्लो क्यों चला रहे हैं? आपकी गाड़ी डब्बा है क्या? तेज चलाइए ना। डब्बा बोल रहे हैं? तेरी तो रुक जा, बता। मम्मी, अगर मुझे इतनी चोट लगी है तो उसे तो ना जाने कितनी चोट लगी होगी। हाँ मम्मी, दोबारा जिंदगी में कभी किसी से लिफ्ट नहीं मांगेगा, आज पता चला होगा उसे। अरे रे, रे आपको तो बहुत चोट लग गई सर, हाथ दीजिए। थैंक यू। आई तू, तुझे चोट नहीं लगी क्या? आप जैसे गाड़ी चला रहे थे ना, मुझे लगा था कि एक्सीडेंट होगा, इसलिए मैं पहले ही कूद गया था। कोई बात नहीं सर, आप हॉस्पिटल चले जाइए, मैं किसी और से लिफ्ट ले लूंगा। भाई मिनिस्टर हैं, बुला रहे हैं आपको। क्या कहा, मिनिस्टर है? खड़े हैं भाई। अर्जुन सुन ना, मिनिस्टर है, चल चल। अरे चल चल। क्या हुआ बे? वो ऊपर टेरेस से मेरी आइटम मुझे देख रही है, आप जाइए ना, मैं आता हूँ। ए चल बे, अगर मैं आपके साथ जाऊंगा तो मुझे बेवड़ा समझेगी। अरे आप चलिए ना, मैं आता हूँ। क्या बोला? अरे जाइए ना, मैं आ रहा हूँ, जाइए ना। आजकल इसका नाम बहुत ज्यादा बढ़ गया। ए छोटे, चल एक एक पैक मारते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऑलरेडी मेरा एक क्वार्टर हो चुका। अरे इतने में तेरा क्या होगा, हम कितनी बार यहाँ आ चुके हैं, बरसात में दारू नहीं पी। अरे नहीं 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 ना, नहीं। चल ना, एंजॉय करते हैं, चल। अरे चल, क्या चल, तू भी ना। हाँ यार,
जब वो वीडियो बना रहा था तब तक वो मेरे साथ था, उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वीडियो बनाने वाला कौन था? हमारा केबल प्रकाश। थोड़ा सा फॉरवर्ड कर। रुक जा, रुक जा, पीछे पीछे पीछे। हाँ रुक रुक रुक, इधर ही रुक। चल प्लीमर। मेरे को और आगे दिखा, और आगे दिखा, चल और थोड़ा सा आगे भगाना। मारू चल, पीछे 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 ले। अरे अर्जुन, इतनी दूर आज यहाँ? छोटू को काई को मारा तूने? अरे गुरु, क्या बोल रहे हो, मैं और छोटू तो बहुत अच्छे दोस्त हैं। छोटू को काई को मारा? माँ की कसम खाकर कहता हूँ, इस तरह की नमक हरामी नहीं करूंगा गुरु मैं। सच सच बता, छोटू को काई को मारा? हम दोनों ने सिर्फ बात की थी, उस वजह से तू कहेगा कि मैंने उसको मारा, ये छोटू को उठा के तू कहाँ लेकर गया और उसको कहाँ पर मारा, ये सब अपन को पता है। शराफत से तू बताएगा कि वो कौन था तो ठीक है, नहीं तो अपन तुझे जान से मार देगा, समझा? बताता हूँ, बस बताता हूँ। प्रभाकर मेरे पास आया था और उसने मुझसे कहा तुम दोनों में से एक को मेरे पास ले आओ, बदले में 50,000 दूंगा। 50,000 की लालच में मैंने छोटे को उसके हवाले कर दिया, लेकिन उस कमीने ने उसको मार डाला। मैंने ये नहीं सोचा था गुरु, मुझे नहीं पता था, मुझसे गलती हो गई। दोबारा ऐसा काम नहीं करूंगा, माफ कर दो मुझे गुरु। किधर मिलेगा वो कमीना बता? मंगलूर, मंगलूर में मिलेगा गुरु।
मेरे एरिया में आए हैं ये, पकड़ो इन्हें, मारो। अगर गुस्सा अपुन पे था तो अपने को मारना था, छोटे को कहीं को मारा, क्या बिगाड़ा था छोटू ने? अपुन के ऊपर का गुस्सा उसके ऊपर निकाला ना, जो दिल के करीब होते हैं वो मरते हैं तो कितना दुख होता है पता है? पता है, पता है तुझे? जानता है छोटू के मरने से कितना दर्द हुआ है मुझे, और उस दर्द को अपुन कभी नहीं भूलेगा। हेलो,
अरे अर्जुन, ये लाइट्स देखकर मुझे अपने गांव की याद आ गई यार। इस तरह की लाइट्स मेरे गांव में लगती हैं, सेम वैसी ही हैं बिल्कुल। सच कह रहा हूँ मैं। ए बीड़ी वो बीड़ी मंगूर की बीड़ी। उसकी जेब में हाथ डाल के आप उनको भी एक दे। उसे भी दे और उसे भी दे, मुझे मत भूलना भाई। जिसको जो चाहिए वो तू दे दे, आप उनको एक फुल बोतल वाइन दे दे। हाँ ठीक है भाई। भाई वो प्रभाकर, इधर उसका नाम मत ले, ये पूरा एरिया उसका है। हम लोग वांटेड लिस्ट में, ये बात भूलना मत, समझा? हमने जो छोटे को जलाया था ना, वो मेरी आंखों के सामने आ रहा है, मैं भुला नहीं पा रहा हूँ। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपना छोटू मरा नहीं, जिंदा है यहीं कहीं आसपास में, ऐसा लग रहा है कि आ रहा है। अरे यार, इस चक्कर में मैं अपनी आइटम गौरी को भूल गया यार। मेले के दिन वो छत पे खड़ी थी, क्या लग रही थी यार। मैं तो उससे मिलना चाह रहा था, लेकिन तभी उसका बाप आ गया और वो अंदर चले गए। जब देखो तब तू वही बकवास करता रहता है, हर वक्त उसी की बात करता रहता है, कभी ठीक से पीने भी नहीं देता यार तू। वो जो बीच में बैठा है ना, वही है अर्जुन। वो जिसके बाल लंबे है वही है क्या? वो नहीं, वो जो काला सा बैठा है ना सर, वही है, वही है सर। बचा हुआ रख ले रे। दारू बहुत ज्यादा हो गई यार। दारू चढ़ने के बाद तू मुझे लड़की जरा दिखाई दे। गुरु, हमने प्रभाकर को उड़ा दिया। क्या कहा? अरे अर्जुन को फोन देना। गुरु वो बार में पुलिस आ गई थी तो अर्जुन को गोली लग गई गुरु। अर्जुन बेहोश हो गया, वो ठीक नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। ए किशन मेरी बात सुन, चाहे कुछ भी कर, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, अर्जुन को बचा ले प्लीज। हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं गुरु, हाईवे पे चारों तरफ पुलिस वाले हैं और प्रभाकर के आदमी चारों ओर फैले हुए हैं, हम लोग बचते बचाते किसी गांव में घुस गए हैं। ये तो तुमने ठीक ही किया, लेकिन अगर किसी सरकारी अस्पताल में गए तो पकड़े जाओगे, समझे? अगर आसपास कोई दूसरा छोटा हॉस्पिटल हो तो वहां लेके चले जाओ, और अगर वहां किसी ने भी नाटक किया ना तो उसे भी उठा के ले आना। ठीक है गुरु। देख यार, मैं पहले एक को खो चुका हूँ, इसको भी खो दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगा, बात को समझ। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो गुरु, डॉक्टर से मिलने के बाद सबसे पहले मैं आपको ही फोन करूंगा। लेकिन तुम जो कुछ भी करो मुझे बस इन्फॉर्मेशन देते रहना। हाँ ठीक है गुरु। अरे कमलेश, तू अपने शराबी दोस्तों के साथ रह के बिगड़ गया है, उसके साथ मत रहा कर, तू समझा ना। चुप हो जा बुड्ढे, बस कर, बहुत हो गया, बोलता रहता है, कभी बात सुन लिया कर। भैया यहाँ पे अस्पताल कहाँ है? यहाँ से सीधा जाना होगा। बहुत सीरियस मामला, अगर कहीं नजदीक है तो बताओ ना। पास में तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन तुम्हें देख के लगता है कि मामला बहुत सीरियस है। यहाँ से 2 किलोमीटर सीधा जाओ, वहाँ पास में एक गांव मिलेगा, वहाँ से राइट मारना, वहाँ एक डॉक्टर मिल जाएगा। थैंक्स। हाँ ए, सामने घर है, रोक रोक, यहीं रोक, यहीं रोक, रोक रोक। ए तू इसे पकड़, संभाल कर पकड़ना, मैं पूछ कर आता हूँ। अरे इतनी रात को कौन आया है? डॉक्टर, 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 डॉक्टर है? सर सर, डॉक्टर आप हैं क्या? तुम लोग कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? हा? सर मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया सर, बहुत ब्लड निकल गया सर, हॉस्पिटल लेकर गए थे तो वहाँ पर बताया गया कि आप घर पर हैं, इसलिए हम लोग यहाँ लेकर आए हैं सर। ठीक है, सर एक बार प्लीज सर, खुदा कोई पेशेंट आया है देख लो। कौन आया है इतनी रात को? ठीक है आप लोग इधर हटिए, इधर हटिए। क्या हुआ, क्या हो गया इन्हें? रास्ते में एक्सीडेंट हो गया मैडम। चोट कहाँ लगी है? वहाँ पे थोड़ी चोट लगी मैडम। ओह माय गॉड, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, गोली लगी है इन्हें। ये सब हमें अच्छे से पता है, अब ज्यादा ज्ञान मत दो, ट्रीटमेंट करो चुपचाप। नहीं करूंगी, ये मर्डर केस है। सुनिए जी, पुलिस को फोन कीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो? इसकी गर्दन काट दूंगा। ये सब क्या है? एक ऑप्शन देता हूँ, या तो ट्रीटमेंट कर ले या फिर कंप्लेंट कर ले।
पहले मेरे दोस्त की जान बचा, उसके बाद जो भी होगा देख लेंगे हम लोग। इनकी हालत बहुत ज्यादा गंभीर है, आप लोग इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाइए प्लीज। ये सब नहीं हो सकता, अगर अपनी पति की जान बचाना चाहती है तो मेरे भाई को होश में लाना होगा। टेंशन में है, यहीं पे ट्रीटमेंट देगी तो ठीक रहेगा तेरे लिए, समझी? अंदर बेड पर सुला दीजिए। पहले गुरु को फोन करना होगा, यहाँ पर तो सिग्नल ही नहीं मिल रहा यार। अबे तेरा फोन डब्बा है, ये ले इसे ट्राई कर। तेरे फोन में कौन सा सिग्नल आ रहा है, ये ले। यहाँ किसी मोबाइल में सिग्नल नहीं आता है। ऐसा है क्या? हेलो। हेलो, मैं किशन। हाँ क्या हुआ किशन, बोल ना। गुरु यहाँ पर एक डॉक्टर मिल गई है, गोली निकाल रही है। ठीक है, लेकिन अभी तुम कौन से गांव में हो? यहाँ दूर दूर तक बस जंगल ही दिखाई दे रहा है गुरु, गांव का नाम क्या है पता नहीं, लेकिन हम लोग हाईवे के आसपास ही हैं। ये इस घर का फोन नंबर है, यहाँ किसी के भी फोन में नेटवर्क नहीं आता गुरु। हे, अब जो मैं बोल रहा हूँ उसे तू बहुत ध्यान से सुनना, अब तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, उस डॉक्टर के पति को उठाकर तुम यहाँ ले आओ। वो खेड़ापुर गाँव है ना, वहाँ पर मेरा दोस्त एक शिव कुमार भी है, उसके वहाँ तुम लोग जाके सेटल हो जाओ। और अर्जुन को? अरे उसको 10 दिन वहाँ आराम करने दो, उसके बाद उसको हम लोग वहाँ से बुला लेंगे। 10 दिन? ये क्या कह रहे हैं गुरु? ए, अगर तुम लोग उनके हाथ लग गए ना तो वो तुम सब लोगों को जलाकर राख कर देंगे, समझे? ए सुन, उस प्रभाकर को तुम लोग छोटा मोटा गुंडा बिल्कुल मत समझना। ऐसा है क्या? हाँ, मामला ठंडा होने में कम से कम 10 दिन तो लगेंगे ना, तब तक शांति रखो ना, उसके बाद मैं तुम लोगों को कोर्ट में सरेंडर करवा दूंगा। और डॉक्टर नहीं माना तो? नहीं माना तो उसे मनाओ ना, उसे बोलो कि अगर अर्जुन जिंदा नहीं बचा तो उसके पति को हम लोग बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है गुरु। कैसा है अभी वो? सारी गोलियां निकाल दी हैं, होश में आने में सुबह तक का टाइम लग जाएगा। ठीक है, कल सुबह मैं फोन करता हूँ, हमारे भाई की अच्छे से देखभाल करना, तब तक तुम्हारा पति हमारे कब्जे में रहेगा। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? देखिए डॉक्टर साहिबा, जिस तरह से हमारे दोस्त का आप ख्याल रखेंगे उसी तरह हम आपके पति का भी ख्याल रखेंगे। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो प्लीज, इस बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। अगर हम तेरे पति को उठा कर ले गए तो तू पुलिस कंप्लेन नहीं करेगी, हमें पता है, अभी तुझे मौका दे रहे हैं, सोच ले। ए, ले चलो उसे, चल। छोड़ दो इन्हें। सुधा, सुधा, सुधा देखो ना, अरे मुझे क्यों ले जा रहे हो? अर्जुन कैसा है अभी तू, दर्द कैसा है? अरे आपुन तो ठीक है, लेकिन ये औरत अपने को बहुत तकलीफ दे रही है रे, इसके पति का क्या हाल है, उसको इधर लाके छोड़। उसकी चिंता मत कर, उसके पति को उठा कर लाया हूँ, इसीलिए तेरा ट्रीटमेंट कर रही है। आपने को इधर लाकर काई को फेंक दिया है, आपुन अभी अच्छा हो गया है, उसको इधर लाकर छोड़ जल्दी से। ये अभी नहीं हो सकता क्योंकि 10 दिन तुझे वहीं रहना है। काई को? मुझे नहीं पता यार, ये सारा प्लान गुरु का है, तुझे वहीं पे रहना है, वो तुझसे बात करना चाहते थे, पहले तू उनको फोन कर। अरे सुन यार, ए यार सुन तो, ए ए थुक। हेलो। हेलो भाई, अपन अर्जुन। अर्जुन तू अच्छा है ना, अरे बोलना। अपन तो पूरी तरह से ठीक हो गया है, अभी बस अपन उधर आने के लिए निकल रहा है। ए, पागलों जैसी बात मत कर तू। हाँ, और मेरी एक बात बहुत ध्यान से सुन ले, जब तक तुझे बेल नहीं मिल जाती ना तू वहां से हिलेगा नहीं, यहाँ पर पुलिस तेरा एनकाउंटर करने के लिए हर जगह ढूंढ रही है तुझे, समझा? ए गुरु, अपन मौत से डर के यहाँ नहीं रह सकता, समझा? जब से अपन इस फील्ड में उतरा है ना, अपन मौत से डरना छोड़ दिया है, फोकट का है ना, अपन का दिमाग खराब नहीं करने का, अपन आ रहा है बस। ए अर्जुन देख, तू तो जानते है मैं पहले एक को खो चुका हूँ, अब देख दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम चुप रहो यार। ए, अगर तू मेरी बात ध्यान से नहीं सुनेगा ना तो तुझे मेरी कसम है, आज के बाद मुझसे बात मत कर रहा तू। अरे अपन इधर रहेगा तो अपना दिमाग खराब हो जाएगा गुरु। अरे यहाँ पर वो जो लेडी है ना वो थर थर कांपती है यार। देख, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता, तेरी सेफ्टी मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, उसे फोन दे। काई को? ताकि मैं उसे चुप कर सकूं और वो दोबारा ऐसा कुछ ना सोचे। कोई जरूरत नहीं है, रहने दो गुरु, वो औरत दिखने में बहुत ही भले घर की लगती है, अपन खुद उसको समझे। अर्जुन
तू प्रभाकर को मारने क्यों गया था? अरे इधर उस औरत का तकलीफ और उधर फोन पे तेरा तकलीफ। अच्छा गुरु, ये मैटर अभी अपन आपको नहीं बता सकता है, जब टाइम आएगा तो बता देगा। ओ डॉक्टर, देखो डॉक्टर माँ, अपन आपको जबान देता है, आपको और आपके पति को कोई भी खरोच नहीं पहुंचेगा, लेकिन आप अपन से वादा करो कि आप किसी को भी ये नहीं बताएगा कि अपन 10 दिन इधर रुकेगा। लियो, लियो, लियो रुक जा, रुक जा, बताती हूँ तुझे अभी। मिल गया क्या? मिल गया, अभी तुझे बताती हूँ। इतनी मस्ती है ना तुझमें, मेरे साथ खेलता है। ये कौन है? अरे मैं आपके ऊपर ही गिर गई थी ना, सॉरी मैंने आपको देखा नहीं था। अरे क्या सॉरी, तेरी तो जा किसी कुएं में कूद जा, मार दिया। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जी ये कौन है? ये मेरे दूर का रिलेटिव है, ट्रीटमेंट के लिए आया है। चलो डिस्टर्ब मत करो इसे। ओ पेशेंट है क्या? चलो सॉरी पेशेंट, सॉरी सॉरी सॉरी। नहलाने के लिए मैं हूँ, इसीलिए तो इधर उधर जाकर गंदा होकर आता है। फिर से बाहर गया ना तो तेरा गला दबा दूंगी। दीदी कस के पकड़ो वरना पानी डालोगी तो भाग जाएगा। नहाने नहाने को बोलो तो भाग जाता है गंदा। दीदी ये गंदा नहीं अच्छा पता है, है। चुप हो जा अनीता, इसे रोज नहलाना जरूरी है, 3 दिन में 1 बार नहलाए तो नहीं चलेगा क्या? अरे आप शांत हो जाइए पापा, आप नहीं समझोगे। क्या बेटी, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, इसके साथ खेलना बंद करो और थोड़ी पढ़ाई कर लो। खुद तो बिगड़ी हुई हो, उसे भी बिगाड़ रही हो। बेटा आ जाओ, चलो पढ़ाई करो। पापा। ए आयशा तू कहाँ जा रही है? पढ़ाई करने जा रही हूँ। ओहो, मैंने देखा तो कैसे पढ़ाई करती है, चुपचाप यहाँ बैठ और इसको पकड़। मैंने सोचा था कम से कम इस बार तो अच्छे मार्क्स लाऊंगी। देखो सिन्हा साहब, मेरी बात सुनो, डायरेक्ट कोर्ट से प्रोड्यूस करा के जेल भेजेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर ये कहीं गलती से उन गुंडों के हाथ लग गया तो इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ए स्वामी, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और सुन ले लॉयर, तुझे जो भी करना है ना जल्द से जल्द देखो कर। देखो सिन्हा भाई, बेवजह जल्दबाजी मत करो, लड़कों को वहीं रहने दो, मैं देख लूंगा। ज्यादा दिन इंतजार नहीं कर सकते, तू क्या करेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लड़कों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जितना पैसा चाहिए बता दे, लेकिन बेल चाहिए। हाँ? अरे तलवार, डॉक्टर के घर में तलवार। ओके, वैसे भी मैं कॉलेज में झांसी की रानी का नाटक करने वाली हूँ, उसके रिहर्सल में काम आएगा। क्यों बे कमीने, झांसी को तूने अपने बाप की जायदाद समझ रखा है क्या? कुत्तों को झूठा खाना खिलाकर अपने घर में घुसने वाले हम भारतवासियों का ये स्वभाव नहीं है। गुस्से से अगर तू डराएगा तो हम डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं है, बल्कि वार करने वालों में से है। डर के मारे मर मत जाना, जाओ मैं तुम्हें जीवन दान देती हूँ। अबे चल तेरी, इसको क्या खिलौना समझ के रखा है क्या? खिलौना है क्या ये? चल निकल निकल निकल, पता नहीं है क्या, सीधा टच कर रही है इसको। नमस्ते डॉक्टर साहिबा, अच्छी हो ना? अंकल कहाँ है? वो घर पर नहीं है। ओह झूठ बोल रही है, ए जा उठा के ले आ। मैंने मैंने कहा ना घर पर नहीं है। ऐसा है क्या? खाना वाना हो गया क्या आपका? आज खाने में क्या बनाया है, चिकन या मटन? भाई अंदर अंकल तो नहीं मिले, लेकिन कोई पेशेंट है। अच्छा, जमीन के रजिस्ट्रेशन का टाइम आ गया तो अंकल को यहाँ से दूर भगा दिया? नहीं नहीं, सच में ऐसी कोई बात नहीं। झूठ मत बोल, सीधे सीधे बता दे, हमसे पंगा लेगी तो कहाँ बच के जाएगी? हाँ माँ कसम खा के कहता हूँ, अगर बात मान जाएगी ना तो छोड़ देंगे, नहीं तो बहुत पछताएगी। जो बोलना था बोल दिया, याद रखना अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो तेरा हस्बैंड। ए चल रहे, सुना तुम लोगों के कारनामों की वजह से उस गुंडे श्रीकांत ने आकर क्या क्या कहा? उसकी नजर हमारी जमीन पर है,
अगर हम वो जमीन नहीं बेचेंगे तो वो मेरे पति को मार देंगे, ऐसा कह रहे हैं। ऐसे समय पर वो मेरे साथ नहीं है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो। पहले तो आपको बता दो, आपने दाल बहुत अच्छा बनाया है। अगर आपका पति उनके हाथ लगेगा तभी तो वो कुछ ऊंच नीच कर पाएंगे ना। पहले तुम मेरे पति को यहाँ बुलाओ। अरे फोकट में दिमाग को खराब कर रहे हो, बुलाओ 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 करके। तुम्हारा पति सही वक्त पर आ जाएगा, समझे? डॉक्टर माँ, इस घर में आप और आपके पति अकेले रहते हो या कोई और भी रहता है? क्यों, कोई और होता तो उसे भी किडनैप करवा लेते क्या? अरे ओ माँ, सही सही तरीके से जवाब दो ना। कोई भी सवाल करता हूँ तो उसका उल्टा ही जवाब देती रहती हो। अगर ऐसा बर्ताव करोगी तो पेशेंट का क्या हाल होएगा? पति के साथ ऐसा बर्ताव करती रहेगी तो पति इसको उठा के एक दिन पहाड़ पे ले जाके छोड़ के आ जाएगा। बाद में तू उसको ढूंढेगी और तेरा पति गली गली घूमता रहेगा। लियो, 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 कहाँ चला गया ये? लियो, लियो, पापा आपने लियो को देखा क्या? नहीं बेटा। कब से ढूंढ रही हूँ पापा, वो मिल ही नहीं रहा। यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा बेटा, तुम इतना टेंशन मत लो। पेट भर खाना नहीं खा पा रहा है, खाली ये गोले निकलना पड़ रहा है। पता नहीं है डॉक्टर माँ कितना गोली खिलाएगी। लियो, लियो, तुमने लियो को देखा क्या? जो आपन तेरा नौकर है क्या? देखा कि नहीं, बस इतना बताओ। नहीं देखा। आंटी, आपने लियो को देखा क्या? सुबह तो यही घूम रहा था, काफी देर से दिखा नहीं मुझे, कहाँ चला गया फिर? दीदी, मुझे लगता है लियो को जरूर चीता उठाकर ले गया होगा। मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है। पापा, दीदी को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा दीदी को, भगवान है ना। हे भगवान, दीदी को जल्दी से ठीक कर देना, लियो को जल्दी से घर भेज देना। जब तक लियो नहीं मिलेगा तब तक दीदी रोती ही रहेगी, प्लीज भगवान। क्या हुआ साहब? हमारा डॉगी गायब हो गया बेटा। ये उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करती थी और अब वो मिल नहीं रहा। पहले से ही इसको दमे की प्रॉब्लम है, कुछ ऊंच नीच ना हो जाए इस बात का डर लगा रहता है। उस भगवान ने इसे 4 साल से बचा कर रखा, अब वो इसे हमसे छीनना चाहता है। तेरे के, ये क्या हो गया अपुन से? बेवजह इस लड़की की मौत का जिम्मेदार अपुन बन जाएगा। अरे यार, ये लियो किधर गया होगा? हा?
भाई साहब, इधर छुपे बैठे हो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर दुबक के बैठे हो क्या? अरे मैंने छोड़ दिया था ना तुमको, तो तू भाग सकता था ना, यहाँ पर छिप कर बैठा है। चल चल अब घर। लियो आ गया, लियो आ गया, ए लियो आ गया, लियो आ गया। देखो दीदी, दीदी। लियो, लियो आ गया। कहाँ चला गया था तू? ये दीदी को होश आ गया, दीदी को होश आ गया। अंदर जाने के बाद ये सारी बातें कर लेना, अभी जाकर रेस्ट करो। लो, अब हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, घर पर ही रेस्ट करो। बेटी मुझे दे दो। सुबह एक बार चेकअप कर लूंगी, घर में सुला देना इसे, बाकी सब मैं देख लूंगी। ठीक है। और तुम गाड़ी लेकर चले जाओ, तुम इसे जल्दी से बाहर निकाल दो। चलो। सही वक्त पर लियो को ढूंढकर तुमने बहुत बड़ा काम किया है, थैंक यू सो मच। लेकिन डॉक्टर माँ, उस लड़की को बीमारी क्या है? अनीता को सीवियर ब्रोंकाइटिस है। बोले तो क्या? मतलब उसे सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, दुख बहुत बढ़ जाता है तो उसकी प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है, वो ज्यादा दिनों तक जी नहीं पाएगी। ये पता होने के बाद उसे कहीं नहीं भेजते हैं और उसकी देखभाल यही करते हैं। ये बात सुनके आप उनको भी बहुत दुख हो रहा है। उसकी माँ को भी यही बीमारी थी, वो मेरी अच्छी फ्रेंड थी और इसी की वजह से मर गई। बेचारी, इस लड़की को भी वही बीमारी हो गई है, कब हमें छोड़कर चली जाएगी यही डर सताता रहता है। एक डॉक्टर होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, आई एम क्वाइट हेल्पलेस। डैडी का इतना स्टेटस था, इतना पावर था, फिर उनका मर्डर इतनी आसानी से कैसे हो गया? हाँ, शर्म नहीं आती? कल के लड़के ने उन्हें मार दिया। शिट, अनबिलीवेबल। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? इडियट्स। कौन है वो अर्जुन? कल तक वो रास्ते का गुंडा था, हमारे बॉस के जाने के बाद स्टार बन गया, अब वो पूरे बेंगलोर में डॉन बनकर घूम रहा है। बॉस, घूमने दे घूमने दे, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ आता है, कहाँ है वो अभी? अभी तो वो छिपा हुआ है बॉस, ऊपर से बलराज सिन्हा उसके बेल के लिए भाग रहा है, पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं, जल्द ही मिल जाएगा बॉस। उस पर भरोसा मत कर, हमने जितने पैसे दिए उससे एक रुपए भी कोई ज्यादा देगा तो पलट जाएगा। लोग, उसे बेल मिलने से पहले ही ऊपर भेजना होगा। दुनिया हसीनों का मेला, मेले में चल। ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुम लियो को लेकर आए ना, इसीलिए मैं उसे थैंक्स बुलवाने के लिए लेकर आई हूँ। ये लियो के मुंह से किस करवाएगी क्या उनको? मैंने किस हाथ पे नहीं, गाल पे दिलवाया था। अगर गुस्सा आ गया ना तो छोड़ेगा नहीं अपन। क्या करोगे? दीदी, ऑलरेडी गुस्सा आ चुका है। अच्छा, ऐसा क्या? तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, मैं बाद में आती हूँ। दोबारा आएगी ना तो हाथ पर तोड़ दूंगा। निकल यहाँ से, अपन को शान पट्टी दिखाती है। अरे बाप रे, अपन को तो ये मेंटल हॉस्पिटल लगता है, इसकी माँ मेंटल की डॉक्टर है। अरे कहाँ अगर फंस गया अपन रे? माँ जी, वो श्रीकंठ आकर हम सबको मार रहा है और हमारे जमीन पर कब्जा कर रहा है, कह रहा है कि अब खेत उसका हो गया है, हम में से वहाँ पर कोई भी काम नहीं करेगा। आपने खेत बेच दिया है क्या? ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है माँ जी। सुना ना तुमने, खुश हो गए ना? आखिर क्यों इस तरह की परीक्षा ले रहे हो हमारी? तुमने डिसाइड किया है कि जब तक खेत हमारे हाथ से चले नहीं जाएंगे उन्हें नहीं लाओगे ना? इस खेत को हमने कितनी मेहनत से कमाया है जानते हो तुम? देखो, तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते मैं ट्रीटमेंट कर दूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मेरे पति को वापस बुला लो। उस रात को आया था ना, वही है क्या श्रीकंठ? अरे डॉक्टर माँ, अगर तुम्हारा पति आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा क्या?
चलो अपन को दिखाओ खेत किधर है। तुम्हें दिखाऊं? अरे तुम अपने हिसाब से दिखाओ ना, अपन है ना। चलो दिखाओ दिखाओ, चलो जल्दी चलो। अबे ठीक से हाथ चलाओ। वो डॉक्टर की बीवी आ रही है। कैसी हो डॉक्टर साहिबा? अच्छा आदमी समझ के तुम्हें अच्छी तरह से समझाया, लेकिन तुम नहीं माने, इसलिए मैंने काम शुरू करवा दिया। फ्री होके पेपर भेजवा दूंगा, अपने पति से साइन करवा के वापस भेज देना। आज से इस जमीन का मालिक मैं हूँ। देखो बेटा प्लीज मेरी बात सुनो। लेडीज हो इसलिए मुंह से समझा रहा हूँ, अगर तेरा पति आता ना तो यही जमीन के नीचे दफना देता। देख गुरु, ये सब तो ठीक नहीं कर रहा है। ओहो कौन है बेटू? हाँ आप, उनका नाम है अर्जुन, इनका बेटा। वाह, मुझे तो लगा था कि डॉक्टर साहिबा का वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। अच्छा हुआ जो तू आ गया, चल तू ही साइन कर दे। इज्जत से इस जगह को खाली कर दे समझा, नहीं तो तू बोल रहा था ना इस जमीन में गाड़ देगा, वो काम अपन को तेरे साथ करना पड़ेगा। ए, तेरी तो ज्यादा फुदकने की जरूरत नहीं है, उड़ मत। अरे माँ जरा एक मिनट साइड में चलो। अरे अपन बताते ना, आप चलो। वो जो तूने आधे में छोड़ दिया था ना, चल वो अभी पूरा कर। अबे तेरी तो अरे कहाँ हो तुम लोग, आओ इधर। क्यों बे, अपन अकेला साइन करेगा तो नहीं चलेगा क्या? सबको साइन करना पड़ेगा। आ जाओ, सबको अपन अच्छे से डिजाइन डिजाइन में साइन कराएगा। चलो आ जाओ। साइन चाहिए तेरे को। ये कमीने, इस जगह की ख्वाहिश रखना तो दूर की बात है, अगर इस तरफ तू अगली बार आंख उठा के देखेगा भी ना और अपन को पता चल गया तो तेरा ये सिर ना इसे जमीन में गाड़ देगा। अर्जुन नाम है मेरा। याहू याहू या डिशुम 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 डिशुम। अरे छोटी तुझे क्या हुआ है, स्कूल से बंक करके फिल्म देखने गई थी क्या? हाँ देखी, लेकिन फिल्म में नहीं रियल फाइट देखी। फाइट किसने की? वही जो डॉक्टर आंटी के घर में है ना, उसी ने। उसने?
और किसके साथ? डॉक्टर आंटी के खेत में अंकल का कुछ गुंडों के साथ झगड़ा हो गया था और मारपीट भी शुरू हो गई। तब अंकल ने हर एक को डिशुम डिशुम करके मार दिया। और वो कितने लोग थे? 20 लोग होंगे दीदी। ए, चल झूठी। प्रॉमिस, मैं सच कह रही हूँ। कि नहीं है तो जाकर डॉक्टर आंटी से पूछ लो। डिशुम 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 डिशुम। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रहे हो? अपन को अपना छोटा भाई याद आ गया डॉक्टर माँ। अपन का जिंदगी में सिर्फ वही था जो अपन को इस तरह खिलाता था। और कौन है वो? अपन और वो साथ में बड़ा हुआ। बचपन से कभी भी हम एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे। लेकिन एक दिन उन पापी लोगों ने उसको जीने नहीं दिया, मार डाला उसको। तुम्हारे माता पिता? रास्ते पे बड़ा हुआ है हम लोग। माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं है अपन का। हमारे गुरु अप्पा ने अब तक हम लोग का देखभाल किया। हाथ में छुरी चाकू लेकर हम लोग बड़े हुए। अपन को अच्छे से पता है कि अपन भी एक दिन छोटे के पास चला जाएगा। अगर अपन के भी माँ बाप होते ना, तो ये कोयता चाकू गन ये सब छोड़कर पेन और पेपर लेकर आपने जो पढ़ाई किया ना, डॉक्टर इंजीनियर इस तरह से कुछ पढ़ाई करके लाइफ में सेटल हो जाता था। अपन आता है। क्या हुआ? पूरे शहर में मैंने चप्पा चप्पा छान मारा बॉस। लगता है वो जेल में ही है, बेल मिलने तक बाहर नहीं आने वाला। क्यों? हमारा पुलिस के साथ लिंक है, ये उसे अच्छी तरह पता है। अगर वो हमारे आदमियों के हाथ लगे तो छोड़ेंगे नहीं। उसे ये पता है इसलिए सेफ जगह छुपा हुआ है। वो बेल लेने तो आएगा ना? हाँ हाँ आएगा ना बॉस, हम भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपने लड़कों को हर जगह फैला दिया उसे पकड़ने के लिए। ये काम तू पक्का कर देगा ना? पक्का कर दूंगा बॉस। हाँ ठीक है बॉस। हाय। अरे अरे तू इस वक्त इधर क्या कर रही है? अबे जरा धीरे बात करो वरना डॉक्टर आंटी सुन लेंगी। हाँ तो क्या बात है बोल। कल तुम्हें मेरे कॉलेज में आना होगा। काई को? वहाँ मुझे कुछ लड़के परेशान करते हैं, तुम्हें उन्हें सबक सिखाना होगा। अच्छा, किस खुशी में? वो हमारे कॉलेज के बाहर खड़े होकर लड़कियों को परेशान करते हैं। हाँ तो करने दो ना, जैसे तू अपने को इधर तकलीफ दे रही है। अरे वो लड़के अच्छे होंगे जो तुमको तकलीफ देते हैं। तू जा इधर से। प्लीज ऐसा मत बोलो। अरे कोई किसी के साथ कुछ भी करे लेकिन बीच में अपन क्यों एंट्री मारेगा? लेकिन तुमने उस जमीन के मामले में श्रीकांत को मारा था ना? अरे तो जाए ऐसे, अपन डॉक्टर माँ का नमक खा रहे है, उनके लिए कुछ भी करेगा। जाए इधर से। कल हमारे घर में परौंठे बनेंगे, तुम वो खा लेना फिर मारना। तेरी तो है, चल जाए इधर से चल। तुम मेरे फ्रेंड हो ना प्लीज। किस कमीने ने बोला कि अपन तेरा फ्रेंड है? अपन पागलों को फ्रेंड नहीं बनाता है, चल अब निकाल। अरे लेकिन मैं खुद बोल रही हूँ ना कि तुम मेरे फ्रेंड हो। ठीक है, तुम्हें फ्री में करने की जरूरत नहीं है। उन्हें मारने के लिए तुम्हें पैसे देती हूँ, ये लो 50 रुपए ही हैं। बाकी का जब मुझे पॉकेट मनी मिलेगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। अरे यार अपन की जिंदगी में जो सुपारी मिला है उसमें ये सबसे हाईएस्ट पेमेंट है। इस 50 रुपए में अपन गांधीनगर में एक बड़ा सा बंगला खरीद सकता है। 50 रुपए में साला आजकल कोई बाल भी नहीं। तुम अभी नाटक क्यों कर रहे हो? तुम उनको सबक सिखाओगे ऐसा अपनी सहेलियों से मैंने प्रॉमिस किया है। तुम अगर नहीं आओगे तो मेरी बहुत बेइज्जती होगी, मैं रो दूंगी। अरे तू रोएगी? अरे नहीं बाबा, अगर अपन तुझे रोते हुए अपनी आंखों से देखेगा और फिर डॉक्टर माँ भी देख लेगी तो उनके सामने तू तेजी से सांस लेगी, फिर डॉक्टर माँ तेरे मुंह पे वो मशीन लगाएगी, रामा रामा, ये सब तो अपन के सर पे आ जाएगा। नहीं नहीं अपन तो कुछ और करने आया है और हो जाएगा कुछ और। सोचा था क्या और क्या हो गया। अरे बाप रे, ये कहकर अपन के सर पे बैठ जाओगे? अपन को कोई लफड़ा नहीं मांगता है, अपन पक्का आएगा। हाँ ये तुम सुबह 8 बजे मेरे साथ ही चलना, ठीक है? बाय। अरे बाप रे रामा। अरे ये 50 रुपए में हमारा रिलेशन ही खत्म कर देगी। अभी क्या अपन घंटा बदलेगा? लोग बोलते बदल जा चल ठीक है, कल उन कमीनों को देख लेगा। जिंदगी का सफर। ये लो ये कपड़े तुम्हारे लिए। उनको ये सब नहीं चाहिए, उस दिन जब ले रहा था तो आप उनसे छीन लिया था। अब ले लो ना, मैं दे रही हूँ तो। ये सारा नया कपड़ा किसका है? ये सब मेरे बेटे के कपड़े हैं। हर साल मैं और मेरे पति उसके बर्थडे के दिन या किसी त्योहार के दिन उसके लिए नए कपड़े लेकर आते हैं, इस आस में कि एक दिन वो आएगा, पर वो आज तक वापस नहीं आया। बेटा? ये इस फोटो में जो है ना, ये हमारा बेटा है, अविनाश नाम है इसका। जब ये छोटा था तब ये फोटो ली थी हमने।
अभी कहां पर है वो और क्या कर रहा है? फॉरेन में है वो। जब बच्चे पढ़ाई नहीं करते तब माँ बाप अपने बच्चे को डांटते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने कभी हमें ये मौका ही नहीं दिया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके हायर स्टडीज के लिए वो फॉरेन चला गया और उसके बाद शादी करके वहीं सेटल हो गया। हम भी उसका इंतजार कर रहे हैं, देखते हैं कब तक वापस आता है। फॉरेन में क्या? अरे ओ राजकुमार जी, यहीं पर पढ़ाई करके यहीं पर लोगों ने क्या क्या नहीं कमाया और तुम वहां तक चले गए, क्या उखाड़ क्या लिया? कितना लोग फॉरेन में जाके नौकरी धंधा करता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है? अगर माँ बाप मर जाते हैं तो उनको एक बूंद पानी देने के लिए भी तुम्हारे पास समय नहीं होता, नहीं समझा ना? अबे ओए, यहीं पर आकर अपनी जिंदगी जी बे। दूसरे देश से तुम लोगों को क्या मोह माया है? तुम्हारे माँ बाप हर त्योहार पर तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे होते हैं, इनके मरने के बाद आएगा क्या तू? अर्जेंट आकर यहाँ पर सेटल होने की सोच ले, कमाल करता है। अगर तू नहीं आएगा ना तो अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे कपड़े मिल गए ना अपन खुश है, वरना अपन कब का भाग गया होता। अरे कमाल है, इसने तो आधा पैंट पहने ला, अगर इसने 50 रुपए और दिया होता तो अपन इसको पैंट खरीद के देता। हाँ, वहाँ देखो वो तीनों बंदर है ना, वही वही लोग हैं राज, सूर्या और रमेश, तुम्हें उन्हें अच्छे से सबक सिखाना होगा। अगर बिना वजह अपन उनको मारेगा तो ये मजाक नहीं लगेगा। 50 रुपए दिए है ना मैंने तुम्हें। अरे 50 रुपए तो थू, 50 रुपए देकर तू मेरी जान खा रही है। अरे उनको पहले कुछ करने दे, तभी अपन जाके उनको मारेगा। ओहो, जब वो लोग छेड़ेंगे तब तुम उन्हें मारोगे ना, दिखाती हूँ। अरे यार, आज तुम लोग मुझे छेड़ ही नहीं रहे हो, छेड़ो ना। ओह सुनना, आज तो मैडम पूरे मूड में है। मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जरूर कोई प्लान बना के आई है आज। प्लान वगैरह कुछ नहीं है, ये खुद चल कर आई है। चल तू मेरे साथ चल। नमस्कार भाई, हाथ छोड़ दो ना भाई, इस तरह लड़कियों का हाथ पकड़ना अच्छी बात नहीं है, छोड़ दो। ये आज तुझे अपने साथ लाई है इसीलिए इतना नाटक कर रही है। अच्छा वो छोड़, तू कौन है बे? इसका बॉडीगार्ड है क्या? भाई भाई थोड़ा टाइम दोगे तो बताता हूँ, ए तू चल। अब तुम देखना इन तीनों बंदरों की जान निकाल लेगा वो। ए तू बॉडीगार्ड है क्या इसका? नहीं भाई। अच्छा सुन, तेरी बॉडी मैं देखना चाहता हूँ, चल शर्ट उतार। अरे उतारना शर्ट। भाई नहीं भाई, इतनी लड़कियों के सामने आप उनकी इज्जत का जनाजा निकालेगा क्या? ए तू खुद उतार रहा है या फिर मैं उतारूं? अब ठीक है भाई, अपन उतारते हैं, अब कहीं को परेशान हो ए बनियान भी उतार। क्या भाई बनियान भी उतारना है? अरे उतार नहीं तो। हाँ ठीक है भाई। क्या रे, तू तो ऐसे स्टाइल मार रही थी जैसे अपने साथ किसी बड़े हीरो को लेकर आई है, लेकिन इसने तो उनकी बात मानकर अपनी शर्ट भी उतार दी है। तेरी पूरी बॉडी में तो बैंडेज लगा है और तू इसका बॉडीगार्ड बना है। चला पैंट भी उतार। गुरु हाथ में चोट लगी है, उतार नहीं पाएगा। अगर दम है तो तू खुद उतार के बता। वाव यार क्या बॉडी है, सुपर्ब। अबे इसकी पैंट उतार। ये भाई मुझे अपनी हड्डियां बहुत प्यारी है, मैं निकला। अबे रुक जा बे, अबे मुझे छोड़ के मत जा। अबे सुनना, अबे बे 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 सुनना, मेरे साथ चल। आगे कमरे कहीं कहीं। अरे नो, अरे क्या हो गया, चेहरा क्यों लटकाया हुआ है? अर्जुन प्लीज आज के बाद कॉलेज मत आना। ए एक चमाट मारूंगा, तो खुद अपन को लेकर गई थी ना उनको पिटवाने के लिए। मैं तुम्हें वहाँ लेकर गई थी उन्हें पिटवाने के लिए, किसी लड़की को किस करने के लिए नहीं, वो काली कलूटी चुड़ैल कहीं की। ए इधर आ, वो काली थी तो क्या हुआ, काले लोग इंसान नहीं होते हैं क्या? तेरे ये बाल काले हैं, भौहें काली हैं, तेरी आंखें काली हैं, ये सब काला है इसलिए तो सुंदर दिख रही है। अरे काले लोगों का कितना डिमांड होता है तू जानती नहीं है दुनिया में, और चाहे कोई भी युग हो काले लोगों का हमेशा वैल्यू रहता है, समझे? वैसे एक बात बताऊं, वो भले ही काली थी लेकिन कितनी सुंदर थी। अच्छा वो सुंदर थी तो उसी के पास जाओ।
डॉक्टर माँ, डॉक्टर माँ, क्या हुआ इसे? ये खुशी से झूम रही थी और अचानक गिर गई। डॉक्टर माँ, अनीता, कितनी बार कहा है मैंने तुमसे, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए। हाँ सॉरी आंटी, वही करूंगी जो आप कहेंगी। तुम मेरी अच्छी बेटी हो ना आंटी। बोलो बेटा। आप ये सोच रही होंगी ना कि ये पागल लड़की कितनी बार आपसे झूठे वादे करती है। थैंक यू वेरी मच अर्जुन। थैंक यू किस लिए? मुझे यहाँ तक लाने के लिए आंटी। अगर अर्जुन नहीं होता तो मैं वहाँ शायद बेहोश होकर ऐसे ही वहाँ पड़ी रहती। ए अनीता प्लीज, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। जाओ, जाकर आराम करो। हाँ
हेलो बॉस। हाँ बोलो लॉयर साहब। आपके लड़के को बेल मिल गई है, वापस बुला लो उसे। ओह कितनी बड़ी खुशखबरी दी है तुमने मुझे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैं उसे पहले ही बुला चुका हूँ। अरे जल्दबाजी में कोई गलत कदम मत उठा लेना, अगर पुलिस वालों के हाथ चढ़ गए तो समझ लेना कल 10 बजे तक उनको सुरक्षित कोर्ट में लेकर आ जाना। ठीक है गुरु जी, मैं खुद उन्हें लेकर जाऊंगा। अर्जुन तुझे देखे हुए कितने दिन हो गए, मैं तुझसे मिलने के लिए पूरी तरह से बेताब था मेरे भाई। कैसा है रे, सब ठीक ठाक चल रहा है ना? अच्छा सुन, अर्जुन मेरी बात तो सुन, तेरे सारे जख्म तो ठीक हो गए ना? हाँ ठीक है। अरे चलना, लेकिन तू ठीक तो है ना भाई? चल ठीक है, चलो चलो। अच्छा भाई एक मिनट, मैं भाग के जाता हूँ। किससे मिलना है? अरे डॉक्टर मेरी छोटी माँ या बड़ी माँ, उससे बाय करने के बाद छोड़ दे अब तू। सब तैयार कर रखा, चल मेरे साथ। अरे छोड़ ना, चलना चल बैठ अंदर, चल अंदर बैठ चुपचाप। ये चल रहे, जल्दी चला कर। अरे भाई बताना पड़ेगा ना। तू बैठा रहा चुपचाप अंदर। है कल तक तो ये हमारे टुकड़ों पर पड़ा था, और आज तू कहाँ छुपा इसकी इन्फॉर्मेशन इसने दे दी? मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। हाँ मारो इसको, मारो पूरी तरह से मारो। अरे छोड़ दो इसको, जाने दो, छोड़ उसको। क्यों रोक रहा है? छोड़ दो ना उसको, घर में जाए। अरे क्या करने का आपको? छोड़ दो बोलता हूँ ना। अरे छोड़ो ना भाई, चल। तू खड़ा खड़ा वहाँ क्या कर रहा है? इधर आ और इसकी पिटाई कर, चल इधर। ये यहाँ खड़ा हुआ है? मुझे बताना आखिर तुझे हुआ क्या है? तू 4 दिनों से मुझसे बात ही नहीं कर रहा है। अरे बात क्या है, मुझे कुछ बताएगा या ऐसे बुत की तरह खड़ा रहेगा तू? हाल तो मैं कुछ भी मत बोलो भाई, उनसे एक बार मिलकर अपन को आपने बताने भी नहीं दिया, सीधा इधर खींच के लेके आ गया अपन को। ओहो, तो आजकल वो लोग तेरे अपने हो गए हैं? लगता है उन लोगों ने तेरे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। दोबारा इस तरह बात मत करना भाई। अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया? आपको समझ में नहीं आएगा, आप चुप रहो। ये छोटे अपन के दिल में जो दर्द है वो अपन किसी को बता नहीं पा रहा है, बहुत ही अकेला महसूस कर रहा है यार। अर्जुन यहाँ क्यों खड़े हो, चलकर खाना खा लो। अपन को भूख नहीं है, अपन बाद में खाएगा। चांदी लाई है कुछ नहीं मेरा जीना, या
कैसे वक्त ने दिए। आखिरी वजह हो तुम जीने की मेरे, है ही नहीं दुनिया मेरी बिन तेरे। तन्हाइयों की आवाज़ें मैं सुनूं, पूछे कहाँ है कहाँ तू। जीना नहीं सीखा बिन तेरे मैंने, हाँ तुमने सिखाया था हमको जीना। फिर से तू वक्त ने दिए। अंकल, दीदी की तबीयत बहुत खराब है, वो सांस नहीं ले पा रही है। सर, अर्जुन, अचानक वो बहुत सीरियस हो गई है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हाँ। दो तीन घंटों में होश आ जाएगा उसे। अरे अर्जुन, तुम अचानक यहाँ कैसे? अनीता सीरियस है, ये बात तुम्हें किसने बताई? अरे नहीं डॉक्टर माँ, अपन मैंगलोर आया था ना, तो सोचा आपसे मिलकर चला जाऊँ। घर पे पता चला आप हॉस्पिटल में और ऐसा ऐसा हो गया, इसलिए आपसे मिलने के लिए आया था। अभी कैसी है वो? कोई बात नहीं, वैसे तुम आ गए तो अच्छा ही हुआ। मुझे लगता है वो तुम्हें मिस कर रही थी और रो रो कर उसने अपना ये हाल कर लिया है, क्योंकि पिछली बार जब लियो उससे अलग हुआ था तब भी उसका यही हाल हुआ था। जब वो किसी से अटैच हो जाती है तो उससे दूर होने पर उसका यही हाल होता है। मुझे लगता है कि वो तुम्हें चाहने लगी है। अर्जुन, मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ, बोलिए। उसके ठीक हो जाने तक तुम 2-3 दिनों तक यहीं रुक जाओ प्लीज, और पिछली बार की तरह बिना बताए मत चले जाना। अर्जुन, तुम बिना बताए कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी डर गई थी? दरअसल तुम्हारे साथ कट्टी करने का और बात नहीं करने का मन था। छे, गलती से मैंने बात कर ली। ठीक है, आज के बाद मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, प्रॉमिस करो। अंकल, प्रॉमिस कीजिए ना अंकल, प्लीज अंकल, प्रॉमिस कीजिए ना अंकल, प्लीज अंकल कीजिए ना। आपुन तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। हिंदी में बोलना मतलब
तू जहाँ भी जाएगी मैं तेरे पीछे आऊंगा, तू जहाँ भी जाएगी मैं तेरे पीछे आऊंगा। यार बहुत कड़क आइटम है। बिल्कुल सही कहा। रुक क्यों गए, चलो ना। चुपचाप जा नहीं सकते हो क्या? अर्जुन तू मुझ पे हाथ उठाया, मुझ पे हाथ उठाया। तुम लोग हाथ पैर तोड़ देगा। देखना मत अपन को इधर। उठना चल। तुमने उन लोगों को क्यों मारा? उन्होंने लियो को छेड़ा था, मुझे नहीं। ए, तुझे सब समझ में नहीं आएगा। तू चल चुपचाप चल। कितना सुंदर है ना। ये जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ आती हूँ तो दिल खोल कर बात करने का मन करता है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई हूँ। मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता, सच कहती हूँ। मुझे तुम बहुत पसंद आ गए हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ए, क्या बात कर रही है? अपन को तो हाफ मेंटल लगती थी, तू तो फुल मेंटल हो गई है। अरे तू जबरदस्ती गले पड़ रही है, तुझे अपन के बारे में पता नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है, तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करूंगी, बस। अच्छी जगह दिखाने के बहाने तू यहाँ लाकर शादी की बात कर रही है? शादी को तूने क्या बच्चों का खेल समझ के रखा है? ए, अपन कौन है, क्या है, कहाँ था, क्या करता था, ये सब तुझे पता है क्या? तुम्हें अपन के पीछे पड़ी। मुझे कुछ भी मत बताओ, तुम कहीं भी रहो कुछ भी करो, लेकिन मैं तुमसे ही शादी करूंगी, बस। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ए किधर जा रही है? ए अरे सुन मेरी बात। ए ए अनीता, ओए तेरी तो अनीता। ए अनीता, ए रुक। अगर सोच के देखा जाए तो वो जो कह रही है बिल्कुल सही है। अगर अपन ने उसके पैर को अपना भी लिया, पता नहीं किस गोली पर अपन का नाम लिखा रहेगा। कल डॉक्टर माँ को सब कुछ बताकर यहां से चले जाना ही अच्छा रहेगा। उस लड़की को जितना जीना है वो बस खुशी से जिए। ऐसा नहीं है अनीता। तो कैसा है? मुझसे प्यार करने वाला मुझे बिना बताए जाने के लिए तैयार हो गया है। अपन तेरे से प्यार करते हैं ऐसा कब बोला? ये मुंह से बताना जरूरी है क्या? अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो वापस क्यों आते? ए, तेरी तबीयत ठीक है कि नहीं ये देखने के लिए आया था बस। हाँ लेकिन क्यों? मेरी तबीयत खराब है ये जानने के बाद भी तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? इसे ही प्यार कहते हैं। ए, उसको इंसानियत कहते हैं, प्यार नहीं बोलते। अनिता रो मत प्लीज, अगर तू रोएगी तो तेरे को बहुत तकलीफ होएगी। होने दो, होनी चाहिए इसलिए तो रो रही हूँ। वैसे भी तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है ना। देख आप उनकी बात समझने की कोशिश कर, तेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो अर्जुन, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी अनिता ठीक रहे, खुशहाल रहे, तो तुम्हें यही मेरे साथ रहना होगा। नहीं तो जाओ, चले जाओ अपने रास्ते और दोबारा कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना, समझे? चले जाओ। Ha 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 ha
अर्जुन, उसकी बातों से अंदाजा लगा सकते हो कि वो तुम्हें किस हद तक प्यार करती है। उसके नसीब में अगर तुम्हारे साथ शादी करने लिखी है तो उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन तुम उसका ख्याल कैसे रखोगे ये किसे पता है? देखो डॉक्टर माँ, यहाँ अपन को सब कुछ मिला। अपन यहाँ इस जगह से मिल गया या इस जगह ने अपन को अपने आप में मिला लिया या अपन नहीं जानता। लेकिन एक बात तो सच है, अपन यहाँ रहकर वो जितने दिन रहेगी अपन उसका ख्याल रखेगा, ये अपन का भरोसा है। अपन बस इतना ही बोल सकता है। इसके अलावा अगर आप जाने के लिए कहोगे तो अपन नहीं रुकेगा, चला जाएगा। नहीं अर्जुन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उसके लिए रुक जाओ। चंदा है चंदा चंदा चंदा, तू है मेरी रे चंदा। हर जन्म में मैं बस तेरा ही रहूं, मैं इश्क में तेरे सजदा करूं। चंदा है चंदा चंदा चंदा, तू है मेरी रे चंदा। वादा करूं मैं तो वादा वादा, तेरी रहूंगी सदा। मेरे इश्क की है रे प्रतिमा तू, मेरे इश्क की है रे मूरत तू। मैं बस तेरा ही रहूं, मैं इश्क में तेरे सजदा करूं। मेरे इश्क की है रे
मैं इश्क में तेरे सजदा अब करूं, हर जन्म में मैं बस तेरा ही रहूं, मैं इश्क में तेरे सजदा अब करूं। उसके बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं सर, बेल मिलने के बाद वो नजर नहीं आ रहा है, लगता है मामला कुछ और ही है। कहीं हमारे डर से गांव छोड़ के भाग तो नहीं गया? नहीं, ऐसा कोई चांस नहीं है सर। तुम्हें क्या लगता है वो खुद ब खुद चल के आएगा हमारे पास? वो कहीं भी छिपा हो हमें उसे ढूंढ के निकालना होगा। वैसे उसकी कोई कमजोरी है क्या? फिलहाल तो उसकी कमजोरी बलराज सिन्हा ही है सर। कमजोरी पता होने के बाद भी चुपचाप बैठे हो? पहले उस बलराज सिन्हा की हड्डियां तोड़ के हॉस्पिटल भेज दो, वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। ठीक है सर। आयशा जिस स्कूल में जाती है वो सही नहीं है, हम अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। उनको बच्चे नहीं चाहिए यार, मतलब जैसे मेंटल पैदा हुए तो क्या करेगा? अरे आपने एक छोटा सा पप्पी देखा है ना, उसको लाकर पालेगा। हाँ। क्या है बे? अर्जुन भाई का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है, जल्दी आ जाओ। अरे माँ, आ गया तू अर्जुन, मैं कब से तेरा इंतजार कर रहा था। अरे ये सब क्या है भाई? अरे, जब बेड टाइम आता है ना तो हमें हॉस्पिटल के बेड पर सोना ही पड़ता है रे, और अगर ज्यादा मस्ती कर ली तो रास्ते पर भी सोना पड़ सकता है। तू क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो भाई, ऐसी बातें मत करो। और क्या हुआ अपन को जरा बताओ। अरे कोई ट्रक से आया और मुझे ठोक कर चला गया, मेरे काउंसलर बनने का सपना टूट कर बिखर गया। रे मेरा सपना था तुम्हें सुधार दूं, लेकिन मेरा सपना टूट कर बिखर गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे बता मैं क्या करूं, सब बर्बाद हो गया, मेरे परसों की मेहनत पे पानी फिर गया। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? बेमतलब का बात कहीं को सोच रहे हो, जो नसीब में लिखा है वही होगा ना। तू अभी क्या करने के लिए कह रहा है? अरे देखो गुरु, आप नाराज मत होना, बस आराम करो, आपके लिए दौड़ने के लिए हम सब लोग तो है ही ना। देख अर्जुन, ये सारी बातें नहीं हो सकती है, तू भूल जा, लोगों के घर के दरवाजे पर भी जाकर मैं वोट मांगूंगा तो कोई वोट नहीं देगा। रे अभी ऐसी स्थिति हो गई है कि मैं अपना पैर तुड़वा कर यहाँ लेटा हुआ हूँ रे, और तुम लोग वोट मांगोगे तो कौन वोट देगा? रे बता, जब मेरा पैर टूटा था ना तभी मैं समझ गया था कि मेरे सपने चूर चूर हो गए। अरे देखो भाई, आपका सपना हकीकत में जरूर बदलेगा, आप पक्का जीतोगे। देखो मुझे वो सब नहीं पता, तुझे आज कोई टाइम फिक्स करना होगा भाई, आज बहुत लोग रहेंगे वहाँ और ऊपर से पुलिस की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट रहेगी, मुश्किल हो जाएगा भाई। अगर पैसे लेके तूने नाटक किया ना, टेंशन मत लो भाई, मैं आपका काम टाइम पे कर दूंगा। हेलो, मैं अनीता। अनीता, इतने दिनों तक तुमने फोन ऑफ करके क्यों रखा था? मैंने कितनी बार ट्राई किया तुम्हें। अरे वो कुछ जरूरी काम था अपन को, अपन दो तीन दिन में आ जाएगा ना। झूठ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या पता चल गया तेरे को?
मुझे जो बीमारी है और मेरी जिंदगी के बच्चे पलों में, तुम मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे, इसलिए तुमने मेरे प्यार को एक्सपेक्ट किया था ना। अर्जुन, मुझे जो चाहिए वो तुम्हारा प्यार है, तुम्हारी सिंपैथी नहीं। अनिता देखो रो मत, अनिता अपन की बात सुन, रोने का नहीं। तू देख अनिता, अपन सच में दिल से तेरे को सच्चा प्यार करता है, अपन पक्का आएगा। नहीं अर्जुन, तुम यहाँ मत आना प्लीज। तेरी तो अनिता, देख अनजाने में तो कुछ भी बोल मत। देख आज शाम तक अपन उस पहाड़ पर जरूर आएगा, तू वहाँ पर अपन का इंतजार करना, समझ गई ना। मेरी वजह से तुम अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, ये मुझे पसंद नहीं है। तुम्हारे साथ जो वक्त मैंने बिताया वो यादें भी मेरे लिए बहुत है, मरते दम तक खुश रहूंगी। देख अपन का बात सुन, अपन का बात सुन, अपन वहाँ पे अभी आएगा। नहीं अर्जुन, मैंने कहा ना मत आना। किसका फोन था? किसी का नहीं रे। चल ठीक है, रेडी हो जा, कोर्ट तक जाकर आते हैं। अपुन नहीं आएगा, अपुन को एक जरूरी काम है, तू जाके आ जा। अरे गुरु ने जल्दी आने के लिए कहा है। अरे तुम लोग जाके आओ ना, अपुन को एक जरूरी काम है, वो पूरा करके आता है। कहाँ? ये सब बताने की बात है क्या? अब तू मुझसे छुपाएगा, यही है क्या अपनी दोस्ती? हा? देख यार, दोस्ती के बारे में बात मत कर, दोस्ती के लिए तो अपन जान दे सकता है। ये इलेक्शन काउंटिंग ये सब खत्म हो जाए, इसके लिए अपन चुप बैठा था। बस इतना ही बात है, अपन जब डॉक्टर माँ के घर पर था तो वहाँ पर एक लड़की से प्यार हो गया और उसके साथ शादी करने का सोचा है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया है। बस दो दिन का ही बात है, वो काम पूरा करके वापस आ जाएगा, अपन कसम खाता है, लेकिन प्लीज किसी को बताना मत ये बात। तू दोस्त के लिए जान देगा? तुझे लगता है मैं तुझे अकेले जाने दूंगा? तेरा अकेले जाना सेफ नहीं है, मैं तेरे साथ ही चलूंगा, समझ ले। थैंक यू यार, तेरे जैसा दोस्त सबको नहीं मिलता है। जल्दी से तैयार हो जा, चलते हैं। किधर पहुंचा रहे अपन? अरे बस पहुंच गए, पास में ही है। अरे क्या हुआ? अरे गुरु ये गियर का प्रॉब्लम है, लगता है गियर बक्सा ही खराब हो गया। तेरी एक काम करते हैं, आगे कोई गैरेज होगा तो ठीक करवा कर चलते हैं। अरे नहीं यार ऐसा मत कर, यहाँ से जाएंगे तो 5 मिनट में पहुंच जाएंगे, पहले ही वो मेंटल है आप उनका इंतजार कर रही होगी। गाड़ी यहीं पर लॉक कर दे, वापस जाते समय अपन लेकर जाएंगे। अरे चल जल्दी चलना। लगातार 7वीं बार जीतने वाले हमारे स्वामी जी 400 वोटों के अंतर से आगे चल रहे हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो गुरु, जीतेंगे तो हम ही। अरे लेकिन वो लोग हैं कहाँ? आप टेंशन मत लो, यहीं कहीं होंगे। यही कह रहा है तू। अरे आप टेंशन मत लो गुरु, सब आ जाएंगे। हाँ मैं फोन करता हूँ। पहले फोन करके तो बात कर, पता कर कहाँ है। अभी फोन नहीं लग रहा उसका। क्या अर्जुन अपने आप को बहुत बड़ा डॉन समझता है? जब तूने मेरे बाप को उठाया ना, अगर मैं वहां होता तो उसी वक्त डेथ सर्टिफिकेट पे साइन करवा देता। तेरा टाइम बहुत अच्छा था, मिस हो गया। लुक, 4 लड़कों को पीछे लेके घूमना डॉनगिरी नहीं होती, यहाँ दिखाना अपनी मर्दानगी। शेर जिधर भी होता है वो शेर ही होता है बे, चीर कर रख देगा सावधान। तेरा बाप भी तो आप उनके हाथों से मरा था,
अभी तेरा टाइम नहीं आएगी तो अपने बाप के बगल में जाके सो जाए। अभी तक तो बच्चा है बे तू, एक लात मारूंगा तो तेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। ए अंधेरा होने से पहले चुपचाप अपने घर पे निकल ले। ए तूने हमारे बॉस को मारा, अब तू नहीं बचेगा। सबको जैसे मारते हैं वैसे अपन को मारना आसान नहीं है। सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गया, इसका मतलब तू बहुत बड़ा आवारा कुत्ता है। अरे सूंघते हुए नहीं आए, तुझे खत्म करने के लिए आए। लगता है उस दिन पिलाया हुआ पानी कम पड़ गया था। अबे यहाँ पर कुआं खोद दूंगा और तू जिंदगी भर यहाँ पर पानी पीता रहेगा, समझ गया ना? मुझसे पंगा मत ले। बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब मरने के लिए तैयार हो जा। गन दिखाना बड़ी बात नहीं होती बच्चे, गन के अंदर गोली होनी भी जरूरी है। तेरी गन सिर्फ दिवाली के पटाखा फोड़ने के काम आ सकती है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा, समझा? अर्जुन, अर्जुन छोड़ दे उसे। ए, अगर तूने बॉस को नहीं छोड़ा तो तेरे दोस्त का गला काट दूंगा, समझा? अर्जुन छोड़ दे।
दोबारा मेरी नजरों के सामने आया ना, ए ताकत घन में नहीं होती बे, यहाँ यहाँ होनी चाहिए। ए, ए छोड़ उसे, चल छोड़ उसे, छोड़ दे। क्या देख रहा है बे, चल निकल शैतान, इधर देख। आप उनकी दोस्त की वजह से तू आज जिंदा है, नहीं तो तुझे। सलीम, काई को ऐसा किया तूने? तू ही बोला करता था ना कि पाप और पुण्य सिर्फ किताबों तक सीमित होते हैं, पैसा होता तो इंसान सबसे ऊपर होता है, वही चाहिए था मुझे, इसलिए। ये सब दुश्मनों पर लागू होता है बे, दोस्त होकर तूने मेरे पीठ पे वार कर दिया। तू अगर मुझसे एक बार भी बोल देता तो अपन अपना दिल और जान निकल के तेरी हथेली पे रख देता था। सलीम, इस बार बलराज सिन्हा की जीत हुई, वो भी पूरे 2000 मतों से। मार मार, उड़ा के फेंक दे, इसे फेंक दे, ले जा।